पानी का पाइप मैंने उनसे कहा कि एक जो है ऊपर भी नल का मेन वॉल दे दो, एक नीचे भी दे देना ताकि मेन आइसोलेशन में आसानी रहे। तो हर फ्लोर के लिए अलग लाइन जाएगी। इधर किशन अपना काम कर रहे हैं ऊपर से। इधर फिनिश का काम ऑलमोस्ट सही है, पुट्टी का काम बचा है। यहाँ एक्सेस मिला हुआ है बाहर जाने का। इधर भी अभी तक वेल्डिंग नहीं किया है, उसने आया था। थोड़ा बहुत काम बचा है अभी, बस रिपेयर वर्क उसी को करते हुए चले आ रहे हैं लोग। सेकंड फ्लोर में एक बाथरूम का वॉल का टाइल्स अभी शुरू नहीं हुआ है। तो फोम है, क्या है फोम। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए गड्ढा खोदा गया है भैया, इसी में चैम्बर बनेगा पानी के अंदर ले जाने के लिए। इधर थोड़ा बहुत रिपेयर वर्क जो है वो सब चल रहा है और पुट्टी सुट्टी चल रही है। अभी बाथरूम टाइल्स लगना शुरू करेगा। यहाँ पे पूरा का पूरा टाइल्स का डिज़ाइन चेंज हो गया। ऊपर जो नीचे का डिज़ाइन था ना बड़े वाले बाथरूम का टाइल्स का, वो शॉपकीपर के पास ख़त्म हो गया, तो ये पूरे फ्लोर का डिज़ाइन चेंज कर दिया। इधर बस बाथरूम का टाइल्स लगना बाकी है, पुट्टी सुट्टी तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। यहाँ भी प्लास्टर हो गया, गुड। अब ये बाथरूम भी बनवाया जा सकता है, पुट्टी हो जाए एक बार, तो ये खिड़कियाँ मेजरमेंट करवा सकते हैं। पहले काला काला दिखता था, पुट्टी उठी होकर सफेद सफेद दिख रहा है। इधर फ्लोर चिकना हो गया नीचे, नाइस नाइस। इसको ऐसे भी छोड़ दो, टाइल्स फ्लोर टाइल्स जो बचा है वो सब लगवा देंगे, डिजाइन बना के। हाँ इधर में टाइल्स वाले ऊपर जाना चाहते थे लेकिन मैंने मना किया। इसका पीसीसी हो गया है और सही चल रही है, पूरा डस्ट हो रहा होगा। बाथरूम हो गया, मैंने बोला भैया पूरा बाथरूम फिनिश करो फिर ऊपर जाओ। अभी यहाँ पे थोड़ा सा टाइल्स बचा हुआ है प्लस ग्रेनाइट वर्क बचा है इसका, तो ये सब जब पूरा हो जाएगा, पूरा फ्लोर कंप्लीट हो जाएगा, सब यहाँ से टाइल्स वाला को ऊपर जाने को बोलूँगा। लहर देखते हैं दीवार पर कि कोई लहर हो तो फिर वहाँ की सही करते हैं। और तो दरवाजे खुले हुए हैं, ये मैं बोला तो बंद कर दो सर। ग्रेनाइट लगा रहे हो, क्या कर रहे हो यहाँ पर? ग्रेनाइट लगाओगे ना? हाँ ठीक, सब तरफ चारों तरफ। खाली टॉप लगा दे तो भी चलता। नहीं सर, पहले बोले कि साइड से भी लग जाएगा अच्छा लगेगा। चलो ठीक ठीक ठीक।
सास अमर के लिए। यहाँ पर भराई से बची है हो गया, खिड़की बन गई है, तो 8 खिड़की का इसका भी उन लोगों को देना होगा। इसमें तो एक्चुअली हम लूअर भी दे तो काम चलेगा, यहाँ खाना पीना चल रहा है इनका, लेकिन लूअर नहीं देंगे, वो बिना फिन वाले स्टैंड लगा देंगे, बिना फ्लैप वाले। ये अच्छा काम हो गया, एक सर्विस के लिए निकल गया। अच्छा अब ये जो है, यहाँ मसाला तैयार हो रहा है, क्योंकि आज ये रिसेप्शन के सीढ़ी की ढलाई है। ढलाई करके ही मानेंगे कन्हैया जी, आज का ये है, नहीं तो ये मसाला पूरा खराब हो जाएगा। नीचे वाले बाथरूम का आज फिनिश हो जाएगा कि नहीं जी? हो जाएगा ना? कहें आज ही करो? अच्छा ठीक ठीक, चलो ठीक है, तुम ज़्यादा जानते हो हमसे नहीं। ठीक है, यहाँ पार्किंग के लिए भर के मिट्टी भर दिया गया है ताकि दीवार अंदर ना घुसे, मिट्टी भर के पानी में डाल दिए हैं रैंप के लिए, पार्किंग रैंप के लिए प्रिपरेशन हो रहा है। और ये वाटर हार्वेस्टिंग का चैम्बर बनाने के लिए ये गड्ढा खोटा है, खोला गया है, नीचे थोड़ा सा स्पेस रख के काट दिया जाएगा, बोल्डर्स लगेंगे अंदर में, उसी में पानी रहेगा और छन के फिल्टर होकर चला जाएगा। और ये जो है ट्रांसफार्मर के लिए चैम्बर बना है, फाउंडेशन है, एक फ्लोर आ जाएगा, फिर ऊपर में 6-7 फीट पर छत आएगा, इसको ट्रांसफार्मर रखा जाएगा। मेरा कैरी बैग लटका हुआ है इसी में, सत्तू का प्रोटीन शेक रहता है लंच मेरा। लंच में कुछ खाने के बजाय सत्तू का प्रोटीन शेक पी लेते हैं। ये तो कुछ तोड़ा गया है कन्हैया जी? वाइब्रेटर मिला नहीं? वाइब्रेटर मिला नहीं? मिला? ये ऊपर का ग्रे कलर बड़ा सुंदर लग रहा है, चलते हैं थोड़ा दूर से देखते हैं। ये लाइटिंग की व्यवस्था हो रही है, पिछली बार लाइटिंग के लिए 20-25 लैंप्स लेके आए थे, सारे ख़राब हो गए, अब नया बन रहा है, पूरा रोशन हो जाएगा अंदर। सो हियर वी गो, ग्रे कलर का हाइलाइट्स दिया जाए, लुकिंग नाउ ब्यूटीफुल। 2-3 दिन के बाद में शीशा उशा लग जाएगा, अच्छा लगेगा, अभी काम चल रहा है। इधर दिन भर गर्ल्स जो है रील्स वगैरह बनाती रहती हैं, ऐसा सेल्फी चल रहा है, मेरा बेबी में आइसक्रीम खाते हुए क्विक आउट बाय गर्ल्स। ओके जी, चलिए आज के लिए काफ़ी।